क्या कहना चाहेंगे? कोरोना लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोग परेशान हैं और इसमें सबसे ज़्यादा परेशान हैं 3 तलाक पीड़ित मुस्लिम महिलाएं, जिनके घर में अन्न का दाना नहीं है। सामने ईद का त्यौहार है, अब उनके लिए संकट ये है कि वो ईद का त्यौहार कैसे मनाएं। उनकी सबसे बड़ी छटपटाहट है कि उनके बच्चे अगर ईद वाले दिन भी भूखे रह गए तो वो अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे। तो ऐसे में 3 तलाक के खिलाफ महाअभियान चलाने वाले एशिया के महान समाज सुधारक इंद्रेश कुमार जी ने निर्देश दिया अनाज बैंक को कि इनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए। इसीलिए आज इंद्रेश ईद पोटली की व्यवस्था की गई, जिसमें सेवई से लेकर आलू तक, तेल से लेकर मसाले तक सारी व्यवस्था की गई और इनको इस अभियान का शुभारंभ किया हम लोगों ने। आज 7 तलाकशुदा महिलाओं को ईद पोटली दे करके वाराणसी के उद्योग उपायुक्त श्री वीरेंद्र कुमार जी ने आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और 100 तलाकशुदा महिलाओं तक हम इसको लेकर के जाएंगे। उन ईद के पहले पहले तक 100 तलाकशुदा महिलाओं को हम इंद्रेश ईद पोटली दे देंगे, ताकि वो ईद की खुशी कम से कम मना भी सकें और महसूस भी कर सकें। और कोरोना लॉकडाउन के दौरान आर्थिक स्थिति भले ही ख़राब हो, लेकिन उनको अगर इंतज़ार है ईद के लिए चांद का, तो गरीब महिलाओं को, तलाक पीड़ित महिलाओं को ईद के लिए सामग्री का इंतज़ार है कि उनके बच्चे उस दिन भूखे न रहें। और अनाज बैंक इस बात की गारंटी लेता है कि उनका परिवार, उनके बच्चे ईद वाले दिन भूखे ही नहीं रहेंगे, बल्कि उस दिन जो भी सामग्री बनती है वो सारी सामग्री उनके ईद की पोटली में दी गई है। इसलिए इंद्रेश ईद पोटली का नाम खुशियों का सौगात है, जिसका आज शुभारंभ किया गया। जो आज ये आने वाली ईद को ध्यान में रखते हुए पूजनीय इंद्रेश कुमार जी द्वारा और आदरणीय डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी द्वारा जो ये प्रयास किया गया है, और वो भी ऐसी भूमि से जो कि लमही गांव में, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की जन्मभूमि है, जिन्होंने ईदगाह जैसी कहानी लिखी, आज उसको पूरा अपने उसमें उतार दिया है इन लोगों ने। कि जो ऐसा वर्ग की ऐसी हमारी माताएं बहनें कि जो 3 तलाक जैसे उससे पीड़ित हैं, जो ईद की खुशियों को नहीं मना सकती, आज उस वर्ग को इन्होंने जो पोटली आने वाली ईद को ध्यान में रखकर जो पोटली दी है, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। कि उन घरों में भी खुशियाँ मनाई जा सकें जो इससे मरहूम रहती। अगर ये मदद ये अनाज बैंक के द्वारा न की जा सकती तो हो सकता है कि वो ये माताएँ बहनें वो ईद की खुशियों को उस रूप में ना मना पाती। इसलिए अत्यंत ही सराहनीय प्रयास रहा है और पिछले काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि जो अनाज बैंक के जो क्रियाकलाप हैं, जो इन्होंने ऐसे वर्गों को चुना है कि जिनका कोई समाज में ध्यान नहीं रख रहा है, जिसका ध्यान नहीं जा रहा है। जैसे किन्नर समाज की मदद की है, विकलांगों की मदद की है, या जो कोरोना फाइटर्स हैं, जब पत्रकार बंधु हैं, पुलिस पर्सनल्स हैं या डॉक्टर्स हैं, उनको भी ध्यान में रख के। और अनवरत आज 57वें दिन ये प्रतिदिन 1000 लोगों का खाना खिला रहे हैं। इनके जो भी ये कार्य कर रहे हैं वो वाकई में सराहनीय है।